कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का जो अभी प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ, एग्जाम क्वेश्चन है और लेटेस्ट आरटीपी के अंदर भी इंक्लूड है, सीए इंटर आरटीपी। सर इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या है? इसमें स्पेशल ये है, इसके अंदर वर्क अनसर्टिफाइड सर्च करना है, ठीक है? तो वर्क अनसर्टिफाइड मिसिंग होगा तो उसको कैसे कैलकुलेट करोगे? तो चलो करते हैं, वर्क अनसर्टिफाइड पढ़ते हैं। प्रिपेयर ए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। कॉन्ट्रैक्टर प्रिपेयर हिज अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च एवरी ईयर। ही कमेंस द कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 जुलाई 2021। ध्यान देना, 1 जुलाई को कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया तो ईयर एंडिंग है उनका मार्च, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 9 मंथ का ही कॉन्ट्रैक्ट है। तो जो भी आप लिखोगे 9 मंथ का ही खर्चा लिखोगे इसके अंदर, ना 9 मंथ से ज़्यादा ना 9 मंथ से कम, क्योंकि 9 महीने ये कॉन्ट्रैक्ट चला ये फाइनेंशियल ईयर में। तो क्या क्या लगा बोलते हैं, मटेरियल इशूड 12,55,000, वेजेस 28,28,000, सैलरी ऑफ द फोरमैन 4,06,500, मटेरियल मशीन कॉस्टिंग 13 लैक्स, हैज़ बीन ऑन साइट फॉर 4.8 मंथ। एक मशीन है 13 लैक्स का जो साइट पे केवल 4.8 मंथ ही था। इसका लाइफ दिया 7 ईयर, उसका स्क्रैप दिया 75,000। सुपरवाइजर हु इज पेड 40,000 पर मंथ हैज़ डिवोटेड 1/2 ऑफ द टाइम इन द कॉन्ट्रैक्ट। सुपरवाइजर का जो पगार है 40,000 है, लेकिन वो आधा समय इस कॉन्ट्रैक्ट पे था, बाकी समय किसी और कॉन्ट्रैक्ट पे रहा होगा। अदर ओवरहेड एक्सपेंसेस एंड एडमिन चार्जेस दिया हुआ है 682,500। मटेरियल इन हैंड मतलब क्लोथिंग स्टॉक, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1 करोड़ है। ऑन 31 मार्च 2022 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कम्प्लीटेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कम्प्लीटेड। द आर्किटेक्चर इशू सर्टिफिकेट कवरिंग 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। 2/3 काम हो गया, 50% का सर्टिफिकेट इशू किया। 2/3 का मतलब 66.66% काम हुआ, लेकिन इंजीनियर ने 50% का ही सर्टिफिकेट दिया। और कैश पेड इज 37,50,000। तो ध्यान देना, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हेडिंग लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, क्या लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। बाजू में लिख देना 9 मंथ का ही हम खर्चा लिखेंगे इसमें। तो शुरू करते हैं, सबसे पहला मटेरियल, जो जो खर्चा है उसको आप डेबिट में लिखो, ठीक है? जो जो खर्चा है आप उसको डेबिट में लिखो। तो लिखेंगे टू मटेरियल, ये 9 मंथ में कितना मटेरियल लेके आया साइट पे, 12,55,000 का। ये 9th मंथ में वेजेस लोग को, वर्कर लोग को कितना वेजेस पे किए, 28,28,000, समझा सर? ये 9 मंथ में सैलरी ऑफ द फोरमैन 4,06,500। तो 2 सैलरी ऑफ फोरमैन, ठीक है, नेक्स्ट। उसके बाद एक मशीन लाया, तो मशीन लाया तो मशीन नहीं लिखेंगे, मेरा टेक्निक सुनो, या तो आप मशीन का ओपनिंग लिखो और क्लोजिंग लिखो, या दूसरा तरीका सीधा सीधा डेप्रिसिएशन लिखो, एक ही बात है। तो मेरा स्टाइल में सॉल्व करना एकदम 100% राइट है, तो हम सीधा डेप्रिसिएशन लिखेंगे। तो सुनो, डेप्रिसिएशन कैसे निकाले, डेप्रिसिएशन यहाँ वर्किंग कर देता हूँ, वर्किंग नोट। डेप्रिसिएशन बोलो, मशीन कितने लाख का है, मशीन 13 लाख का है, माइनस उसका स्क्रैप 75,000, डिवाइड बाय इसका लाइफ 7 इयर्स। ऐसा करोगे तो 1 साल का डेप्रिसिएशन मिलेगा, लेकिन हमको 1 साल का नहीं चाहिए, हमको 4.8 मंथ का चाहिए। तो 4.8 डिवाइड बाय 12 करने का, समझा? क्योंकि 1 साल में 12 महीना, हमको 4.8 मंथ का चाहिए। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। चलो चेक करते हैं, 13 लाख माइनस 75,000 डिवाइड बाय 7 किया तो 1 साल का है 175, हमको 4.8 मंथ का चाहिए, तो इंटू 4.8 डिवाइड बाय 12, तो डेप्रिसिएशन आएगा 70,000। बोलो, समझा?
डेप्रिशन कैसे निकाला, तो डेप्रिशन कितना लिखेंगे 70,000 बोलते ना वर्किंग नोट नंबर वन में किया है। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन के बाद जो सुपरवाइजर है महीने का 40,000 पगार है, तो टू सुपरवाइजर, सुनो इधर ही वर्किंग कर देता हूँ, 40,000 महीने का पगार है इंटू 9 मंथ ये साइड चला तो इंटू 9 इंटू हाफ करेंगे, सुपरवाइजर 50% काम ही यहाँ साइड पे सुपरवाइज किया था, तो 40,000 इंटू 9 आंसर 360, उसका हाफ करने का आंसर 1,80,000, सुपरवाइजर आएगा 1,80,000, समझा। नेक्स्ट अदर कुछ खर्चे दिए हुए रेडीमेंट 6,82,500 अदर एडमिन खर्चा। नेक्स्ट और क्या दिया है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया है, बोलता 2/3 कंप्लीट हो गया अकाउंट टैली करेंगे, रुको जो मटेरियल बच गया उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, तो बाय मटेरियल एट अ साइट, साइट पे कितना मटेरियल बच गया, तो बोलता है साइट पे ना 1,77,000 का मटेरियल बच गया, अकाउंट टैली करो। इस क्वेश्चन में वर्क अनसर्टिफाइड ढूंढना है तो बैलेंसिंग फिगर कितना, तो बोलेंगे बाय वर्किंग प्रोग्रेस, क्या बोलोगे, वर्क सर्टिफाइड बोल सकते हैं, बाय वर्क सर्टिफाइड, तो इसका टोटल करो वर्क कॉस्ट बोलेंगे, वर्क कॉस्ट तो 12,55,000 प्लस 28,28,000 प्लस 4,06,500 प्लस 70,000 प्लस 1,80,000 प्लस 6,82,500 54,22,500 माइनस 1,77,000 54,45,000 डिफरेंस आता है, 52,45,000 डिफरेंस आता है, बोल देना वर्क कॉस्ट, जो भी काम किया उसका कॉस्ट है, अब इसको वर्क कॉस्ट को ब्रॉड डाउन करना, तो टू वर्क कॉस्ट कैरीड डाउन ब्रॉड डाउन 52,45,000, सुनो इसी के अंदर वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड है, तो क्रेडिट से हम लिखेंगे बाय वर्क सर्टिफाइड, हाँ क्या वर्क सर्टिफाइड और बाय वर्क अनसर्टिफाइड, अब ध्यान देना वर्क अनसर्टिफाइड कैसे निकालते, क्वेश्चन में बोले हैं कि 2/3 कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड, मतलब वो बोलते हैं कि 2/3 काम हो चुका है, तो एक काम करो इसका मतलब जो 52,45,000 जो आपने खर्चा किया ना, 52,45,000 जो खर्चा किया ये 2/3 है, तो 2/3 कैलसी में लिखो तो आंसर आएगा 66.67, मतलब 2/3 है कॉस्ट का, जो कॉस्ट है ना वर्क कॉस्ट जो है 2/3 है, तो बोलता है 50% काम हो गया, 50% काम हो गया, तो 50% काम हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, अगर 50% काम हो गया तो इनकम्प्लीट कितना है 16.67 बेटा, ये कहाँ से है सर आपको, अरे बेटा 66.67 में से बोलते हैं 50% काम हो गया तो वो निकाल दो 50%, इसका 16.67 अधूरा है जिसका सर्टिफिकेट नहीं मिला, सर्टिफिकेट केवल 50% का मिला, तो 16.67 का सर्टिफिकेट नहीं मिला, क्रॉस मल्टीप्लाई वर्क अनसर्टिफाइड मिलेगा शॉर्टकट, तो 52,45,000 इंटू 16.666 बहुत सारा लिखो डिवाइड बाय 66.666666, अच्छा आंसर आएगा 13,11,250 आया क्या, 13,11,250, तो लिख देना कैलकुलेशन ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, तो कितना लिखे वर्क अनसर्टिफाइड बोल देना वर्किंग नोट नंबर टू में किया है 13,11,250 और वर्क सर्टिफाइड किसका परसेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का परसेंट होता है, तो बोलता है आधा काम हो गया, आधा का मतलब होता है 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, आधा काम हो गया तो आधा का मतलब 50 लाख का काम हो चुका, कैसा है सर, अरे वर्क सर्टिफाइड
वर्क सर्टिफाइड इज 50% दिया है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का होता है, तो 50% किसका निकालेंगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1 करोड़ था, तो आंसर 50 लाख। समझा? और एक बात ध्यान देना, वर्क सर्टिफाइड कॉस्ट पे नहीं रहता है, वर्क सर्टिफाइड के अंदर प्रॉफिट रहता है, तभी तो अकाउंट टैली करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा सर, तभी तो प्रॉफिट मिलेगा। तो अकाउंट टैली करोगे, जो प्रॉफिट मिलेगा बोल देना टू ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल देना नोशनल प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट मतलब इतना प्रॉफिट कॉस्टिंग पीएनएल में ट्रांसफर हो, कितना ट्रांसफर होगा 50 लाख प्लस 13 लाख 11,250 माइनस 52 लाख 45,000, आंसर आता है 10,66,250। इसका मतलब इतना पैसा कॉस्टिंग प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। बोलो बेटा समझा? सब जो खर्चे दिए थे वो लिख दिया 9 मंथ का। स्पेशल ये अकाउंट टैली करोगे तो जो आंसर है उसको बोलना वर्क कॉस्ट। अब ये इसके अंदर वर्क सर्टिफाइड भी है, वर्क अनसर्टिफाइड भी है, तो ध्यान देना ये जो आंसर है 66.67 है, तो 16.67 कितना, वो कैसा आया, आधा काम हो चुका है तो आधा ही इनकम्प्लीट है, उसको वर्क अनसर्टिफाइड बोलते हैं। तो आधा और 16.67 कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई, जब आप कैल्सियम में लिखोगे थोड़ा ज़्यादा लिखो, 666666 बहुत सारा लिखो, तभी अच्छा आंसर आएगा। तो वर्क अनसर्टिफाइड आ गया, उसको ब्रॉड डाउन करो। वर्क सर्टिफाइड किसका परसेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का परसेंट होता है, और वर्क अनसर्टिफाइड निकाला अकाउंट टैली करो कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट। एज्यूम करता हूँ समझ में अच्छे से। चलो बाय बाय, फ्रेंड्स से शेयर करना।